एसटीईटी अभ्यर्थी फिर से पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए इस वक्त विकास भवन के आगे खड़े हैं, शिक्षा मंत्री राजद कोटे के चंद्रशेखर हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, इन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। बहाली की मांग को लेकर ये लोग शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं और इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी हो रही है, हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइए एसटीईटी अभ्यर्थी, हम लोग एसटीईटी अभ्यर्थी महोदय, और हम लोग केवल यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि आपने जो विज्ञापन निकाला था और विज्ञापन में आपने कहा था कि हम संपूर्ण रिक्ति पे संपूर्ण बहाली करेंगे, हम लोग बस वही मांग करने आए हैं। हम लोग मांगते हैं ये पुलिस को आगे कर देते हैं। पुलिस गरीब का बेटा है, मैं मानता हूँ, ये हमारे जैसे ये लोग भी गरीब है। अगर हमारे ऊपर ये लोग लाठियां चलाएंगे तो कल इन लोगों को बाहर कर देगा नौकरी से, तो इन लोग कहां फिर जाएंगे, कहां प्रदर्शन करने जाएंगे? अगर प्रदर्शन का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा तो पुलिस के साथ भी शोषण होगा, ये लोग पहले समझ लें। लोग 2019 में ही क्वालिफाई कर चुके और 3 साल से इंतजार कर। अरे भाई क्वालिफाई नहीं, पूरा पास हो चुके, बस नियुक्ति पत्र मिलना है हम लोगों को, और सरकार रोज रोज देख भ्रमित करती है। 12 मार्च को ही सरकार घोषणा कर दिया था कि जितने भी क्वालिफाइड है सबकी नियुक्ति पक्की, तो आज हम लोगों का नौकरी कच्ची क्यों हो गया? 3 साल से हम लोगों को लाठी और डंडे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तेजस्वी भैया से हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि तेजस्वी भैया अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोगों की बात जरूर सुनेंगे, और वो सत्ता में आए हैं, हम लोगों की बात जरूर सुनेंगे। हम लोग इससे पिछले बार भी गए थे तेजस्वी। क्या तेजस्वी और महागठबंधन सरकार आपके साथ वादा खिलाफी कर रही है? अभी तो वादा खिलाफी कर रही है, जबकि वही जब विपक्ष में सरकार थी तो हम लोग जितने बार प्रोटेस्ट करते थे, तेजस्वी खुद आके कहते थे कि जब 12 मार्च को सरकार घोषणा कर दी कि हम आपको नौकरी पक्की करेंगे, तो हम आजादी सरकार आएगी तो पहली कलम से ही पक्की करेंगे। लेकिन करीबन देखा जाए कि सरकार बना हुआ 1 महीना हो गया है, लेकिन हम लोगों को ये शिक्षा मंत्री गोल गोल बात घुला घुला कहते हैं, कभी इंटरव्यू देखने के बाद कहते हैं। क्या शिक्षा मंत्री से मैं पूछता हूँ, क्या आप लोग जब प्रदर्शन पहले करते थे तो जो राजद के लोग थे आपके साथ शामिल होते थे, कहते थे कि सरकार आएगी तो मांग पूरा होगा, आप कोई मदद नहीं करते? नहीं नहीं, कोई मदद बोले थे कैबिनेट के पहली मीटिंग में, हम लोग सबकी नौकरी पक्की बात करेंगे, सबकी नौकरी पक्की बोल दिया गया था पहले कि आप लोग जितने कैंडिडेट क्वालिफाइड है सबकी नौकरी एक साथ लगेगी। आज देखिए सरकार, हम लोग पीएमसीएच भर्ती हो रहे हैं, कुछ दिन पहले हम पीएमसीएच से, अभी मेरे एक साथी पीएमसीएच में भर्ती है, वो आ रहे थे प्रदर्शन के लिए, उनका पैर टूट गया। तो बताइए कितने सारे लोग पीएमसीएच भर्ती हो रहे हैं, तो बस यही हम लोग सरकार पे वादा खिलाफी का आरोप जो है ये एसटीईटी पास अभ्यर्थी लगा रहे, कह रहे हैं कि महागठबंधन सरकार ने वादा किया था, तेजस्वी ने वादा किया था, शिक्षा मंत्री राजद कोटे के हैं, तब भी हम लोग की जो है मांग पूरी नहीं हो रही है, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। बता दें छठे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए 2019 में 94,000 भर्तियां निकाली गई थी, इनमें से 42,000 पदों पर नियुक्ति हो पाई थी, 50,000 से ज्यादा पद अभी भी खाली है। 3 साल से 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ये अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। 3 साल से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब मांग जो इन लोगों की तेज हो गई है। इन लोगों की ये भी मांग है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन किया जाए। अभी यहाँ पे इन लोग नया सचिवालय में विकास भवन के आगे बैठे हैं, राजद कोटे के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को मिलने नहीं दिया गया है, पुलिस इनको यहीं पे रोक दिया, और इन लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।